हेलो, वेलकम बैक टू अपेक्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए न्यू रेसिडेंशियल फ्लोर प्लान लेकर आया हूँ। इस प्लॉट का गाइस जो हमारा फ्रंट रहेगा वो हमारा इसका 20 फीट का रहेगा और जो इसकी डेप्थ रहेगी वो हमारी इसकी 60 फीट की रहेगी। ठीक है गाइस, अब गाइस मैं आपको थोड़ी इसकी रिक्वायरमेंट बता दूँ। इसकी रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या रहेगी, दो इसके अंदर हमारे बेडरूम रहेंगे, एक बेडरूम ये रहेगा और सेकंड बेडरूम और इसमें ये रहेगा और इस वाले बेडरूम से जी हमारी ये किचन रहेगी और एक इसके अंदर हमारी लॉबी रहेगी और एक इसके अंदर हमारा डाइनिंग रूम रहेगा। ठीक है गाइस, अब गाइस मैं फुल डिटेल आपको इसकी बता देता हूँ, इसकी फुल डिटेल हमारी क्या क्या रहेगी। ठीक है गाइस, मेन एंट्रेंस जो रहेगा वो गाइस हमारा इसका राइट कॉर्नर से यहाँ से ये रहेगा। ठीक है गाइस, और इससे तरह हमारा डाइनिंग रूम रहेगा, जो इसका डोर रहेगा वो हमारा 20 से यहाँ से डोर रहेगा और जो हमारा डाइनिंग रूम का जो साइज़ रहेगा वो 11 फिट 5 इंच की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 11 फिट 3 इंच की चौड़ाई रहेगी और जो इसका वेंटिलेशन रहेगा वो साइड वो रोड से यहाँ से ओपन से यहाँ से रहेगा। ठीक है गाइज, और जो हमारे इसमें सोफ़ा सेट रहेगा वो सोफ़ा सेट हमारा इसका गाइज यहाँ पर रहेगा और देख रहे हैं आप, और इसकी टेबल हमारी बीच में यहाँ पर रहेगी। ठीक है गाइज, इससे अटैच हमारा ये बेडरूम है, इस बेडरूम का जो डोर रहेगा वो डोर गाइज हमारा इसका यहाँ पर रहेगा और जो इसका वेंटिलेशन रहेगा डोर का वो हमारा वो वेंटिलेशन बेडरूम का रहेगा वो हमारा इसका इस ओपन से यहाँ से रहेगा। ठीक है गाइज, और जो हमारा बेडरूम का साइज़ रहेगा वो 11 फीट 5 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 10 फीट 9 इंच की चौड़ाई रहेगी और जो इसका बेड रहेगा वो बेड गाइज हमारा इसका यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है गाइज, और जो हमारा इसका स्टेयर का रहेगा वो स्टेयर का हमारा इसका यहाँ से रहेगा ऊपर से, उसके बाद हमारा ये लॉबी आती है, लॉबी का जो हमारा साइज़ रहेगा वो 12 फीट 10 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 11 फीट 5 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी। ठीक है गाइज, और ये हमारा ओपन जो छोटा हुआ है गाइज, ये हमारा ओपन छोटा हुआ है और ठीक है गाइज, ये हमारा ओपन जार रहेगा। इससे अटैच हमारा ये WC है, कॉमन WC रहेगी, एक इसके अंदर हमारा बाथरूम रहेगा। ठीक है गाइज, ये हमारा कॉमन रहेगा। इस WC का जो साइज़ रहेगा वो 3 फीट 7 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 3 फीट 6 इंच की रहेगी और इस बाथरूम की लंबाई जो रहेगी वो गाइज हमारी 3 फीट 7 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 7 फीट 7 इंच की रहेगी चौड़ाई। ठीक है गाइज, और इसके बाद हमारा ये बरामदा रहेगा। ठीक है, वरांदे का जो साइज़ रहेगा वो 8 फीट 11 इंच की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 7 फीट 11 इंच की चौड़ाई रहेगी। ये किचन हमारी गाइज ओपन रहेगी और इसको ओपन जो ये किचन जो रहेगी इसका जो साइज़ रहेगा वो 9 फीट 3 इंच की लंबाई रहेगी गाइज इसकी हमारी और जो चौड़ाई है वो 7 फीट 11 इंच की चौड़ाई रहेगी और यू शेप की हमारी इसकी गाइज स्लैब रहेगी और जो उसमें हमारा डाइनिंग टेबल रहेगी वो डाइनिंग टेबल हमारी इसकी गाइज यहाँ पर ये रहेगी, ये हमारी इसकी डाइनिंग टेबल रहेगी। इससे टच जो वो बेडरूम वो किचन से जो टच रहेगा वो हमारा इसमें बेडरूम ये रहेगा, इसका डोर गाइज हमारा यहाँ पर रहेगा, इस बरामदे से हमारा वेंटिलेशन इसका रहेगा। इस बेडरूम का जो साइज़ रहेगा वो गाइज हमारा 16 फीट 6 इंच की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 11 फीट 8 इंच की चौड़ाई रहेगी और जो इसकी हमारा बेड रहेगा वो बेड सेट हमारा इसका गाइज ये रहेगा और 2 फीट की हमारी इसमें अलमीरा ये रहेगी। ठीक है गाइज, अगर लगभग गाइज मैंने आपको सभी रिक्वायरमेंट इसकी बता दी है, अगर गाइज आपका प्लॉट साइज सेम यही है तो आप ये रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, अगर गाइज आपका प्लॉट साइज डिफरेंस है और आपकी रिक्वायरमेंट में डिफरेंस है गाइज तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी गाइज आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप हमारे से व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर उसी में ही है। ठीक है गाइज, जो भी रिक्वायरमेंट होगी गाइज आपकी वो आप हमारे पे डिटेल सेंड कर दीजिए। ठीक है गाइज, हम आपको उसकी PDF फाइल सेंड कर देते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर गाइज अपेक्स आर्किटेक्ट्स।